दिल्ली में जेएनयू के परिसर के अंदर भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कौन रोकते हैं? अरविंद केजरीवाल। चांदनी चौक में दंगा भड़काने के जो आरोपित हैं उनको टिकट कौन देते हैं? केजरीवाल। ओखला में दंगा भड़काने वाले को टिकट कौन देते हैं? केजरीवाल। सारे दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं? केजरीवाल। से शाहीन बाग के लोगों ने बच्चे और महिलाएं आगे कर दिए, वैसे ही केजरीवाल जी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को आगे कर दिया। खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरा जेएनयू गूंज रहा था अलगावी हुंकारों से, और इंद्रप्रस्थ में आग लगी थी जिन्ना वाले नारों से। और जो देश तोड़ने का जिक्र करे उसे लाल चौक पर लटका दो। केजरीवाल जी की वाइफ और डॉटर सामने निकल के आते हैं और बयान देते हैं कि मेरे जो फादर और जो मेरे हस्बैंड है वो कभी भी देश के विद्रोहियों के बारे में नहीं सोच सकते, वो हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं, तो वो देशद्रोही कैसे हुए? क्या कहिएगा? देशद्रोही कैसे हुए मैं बताता हूँ। जो लोग दिल्ली में जेएनयू के परिसर के अंदर भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कौन रोकते हैं? अरविंद केजरीवाल। चांदनी चौक में दंगा भड़काने के जो आरोपित हैं उनको टिकट कौन देते हैं? केजरीवाल। ओखला में दंगा भड़काने वाले को टिकट कौन देते हैं? केजरीवाल। सारे दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं? केजरीवाल। शर्जील इमाम के सपोर्ट में खड़े होते हैं? केजरीवाल। अगर उनको देशद्रोही ना बोला जाए तो किसको बोला जाए? आप सोचिए, अगर ये गोलीकांड वाला कोई भी आरोपी, अगर किसी एक भाजपा नेता या किसी गली के कार्यकर्ता के साथ उसकी फोटो मिल जाती तो इस देश का पूरा लुटियन लॉबी जो है भारतीय जनता पार्टी और जो भगवा आतंकवाद गढ़ने के लिए तैयार हो जाता, ठीक है। और आज जब वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता प्रमाणित हो चुका है, देश की जनता देख चुकी है, उसके बाद अब केजरीवाल जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब उन्होंने जो है, जैसे शाहीन बाग के लोगों ने बच्चे और महिलाएं आगे कर दी हैं, वैसे ही केजरीवाल जी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को आगे कर। शाहीन बाग में 4 महीने की बच्ची मर जाती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई उस पर टिप्पणी नहीं आती है, क्या कहिएगा इस चीज पे? क्या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते तो वो जो शाहीन बाग में पिछले 50 दिनों से ये जो चीज चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, उसको वो बंद नहीं करवा सकते थे? ये दिल्ली की जनता जो है सवाल पूछ रही है हमारे मुख्यमंत्री से, क्या कहिएगा? दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि ये इस देश की राजधानी में लेफ्टिस्ट लॉबी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये प्रायोजित कार्यक्रम है। कैसे? 14 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में एक रैली होती है जिसका नाम रखा जाता है देश बचाओ रैली। उसका नाम होना चाहिए परिवार बचाओ रैली। उसमें एक परिवार के माँ, बेटा और बेटी देश के मुसलमानों को ये बोलते हैं कि आप लोग घर से आइए, हम किसी भी शहादत के लिए तैयार हैं, और ऐसा माहौल, ऐसा मजमून बना देते हैं कि लोग जो है बाहर सड़क, सॉरी, 14 दिसंबर की रैली की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें देश बचाओ रैली एक परिवार के लोगों ने इस देश के लोगों को बुलाया, देश के अल्पसंख्यकों को बुलाया, और देश के अल्पसंख्यकों को रोड पर लाकर वो जो राहुल गांधी साहब हैं वो थाईलैंड में छुट्टी मनाने चले गए। अब हम बात करते हैं शाहीन बाग की। शाहीन बाग में लोग अपने बच्चे और अपनी महिलाओं को आगे करके आंदोलन लड़ रहे हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, और वो चैनल दर चैनल एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हुआ आदमी जो कानून को समझता है वो देश के चैनलों पर आकर CAA के बारे में लोगों को बरगलाता है। अच्छा, और उसके बाद उस चैनल के लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि वो CM को इंटरप्ट करते हैं कि साहब आप यहाँ पे ये गलत बोल रहे हैं, तो और जो माहौल खराब होता है 1.5 महीने से, क्योंकि जब उनके पास कोई मध्यस्थता करने वाला आदमी नहीं रहता तो उनको ये प्रपंच करने पड़े, उनको कपिल जैसे लोगों को लाके जो है ये हिंदू मुसलमान का एंगल देना पड़ा, क्योंकि जब संजय सिंह ने देखा कि ये क्या, क्योंकि सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है, सरकार कुछ कह नहीं रही है, तो उनको लगा कि अब ये हमें ही बैकफायर कर रहा है, तो उन्होंने ये अपने ही एक कार्यकर्ता को जो है प्लांट कर दिया। और अब आज चुनाव से 48 घंटे पहले इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो मैं 4 पंक्तियों से इस दिल्ली की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस दिल्ली के इस चुनाव में आपको क्या करना चाहिए। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, क्योंकि मैं इस कविता के माध्यम से केजरीवाल जी के चरित्र को भी इंगित करना चाहता हूं कि इसी शाहीन बाग के ओखला क्षेत्र में जब एक हमारे पुलिस के बहुत काबिल ऑफिसर मोहन चंद शर्मा आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए थे,
उस एनकाउंटर को भी इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फेक बता के एक संप्रदाय विशेष को खुश करने का प्रयास किया था। तो मैं वही लाना चाहता हूं कि किसका खून नहीं खोलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरा जेएनयू गूंज रहा था अलगावी हुंकारों से और इंद्रप्रस्थ में आग लगी थी जिन्ना वाले नारों से। बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, इन आस्तीन के सांपों को अब दूध पिलाना बंद करो, अब भारत के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो देश तोड़ने का जिक्र करे उसे लाल चौक पर लटका दो। जब तक इन देशद्रोही ताकतों के साथ सख्ती के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब जब इस दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल जैसे लोग होंगे, वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे देशद्रोही शर्जिल इमाम जैसे लोगों को बचाते रहेंगे। और इनका पूरा का पूरा नेक्सस है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे वो इंदिरा जयसिंह हो, ये लोग इन्हीं देशद्रोही और ये लेफ्टिस्ट ताकतों को मजबूत करते हैं, देश के लिए खतरनाक है। और दिल्ली की जनता को राष्ट्रवाद जो आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो देश की राजधानी की सड़कों पर 10-15 जगह अलग अलग शाहीन बाग बनाए जा रहे हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो तभी होगा जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी। अभी जैसे यह लगा हुआ है कांग्रेस के खेला जा रहा है, आपको लगता है दिल्ली में इस बार कांग्रेस आ पाएगी? कितनी सीट का आपको भरोसा लगता है? कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए कांग्रेस जो है चुनाव फाइट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी समझ रही है कि अगर हम चुनाव को सीरियसली लड़ेंगे तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक जो बैकडोर चैनल से जो इनका गठबंधन है, आप ये देखिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ हैं दिल्ली के चुनाव में? इन्होंने तो 15 साल राज किया है ना यहाँ पे। ये आज शीला दीक्षित जी की फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं, पर इनका कोई भी केंद्रीय नेता एक भी प्रचार नहीं कर रहा। इनका स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये लोग ये जान चुके हैं कि अगर हम लोग सीरियसली फाइट करेंगे तो उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा, इसलिए ये लोग डबल स्टैंडर्ड गेम यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस इस सर का सवाल है कि कांग्रेस जो है अपने स्टार प्रचारकों को आगे क्यों नहीं कर रही है? कहीं उनको ये तो नहीं पता चल गया कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा लेगी और मतलब उनको नुकसान हो जाएगा इस चीज? पूरे देश के अंदर जितनी भी देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक है, और ये दिल्ली नहीं, आपने देश के अन्य राज्यों में भी देखा है। और पूरी तरह से कांग्रेस अपने उस एजेंडे पे आज कायम है, वो बैकडोर से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज पूरी तरह से जनता के बीच में उसकी सच्चाई आ चुकी है, उसकी एक भी सीट नहीं आएगी, और गलती से एक आ भी गई तो वो सीधा अरविंद केजरी के पास उसका समर्थन लेकर के जाएंगे। उनकी हर जगह कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आए, लेकिन आज देश की जनता जाग चुकी है, देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश अमित शाह जी के साथ है और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर एक बात बताइए, वहाँ पे शाहीन बाग में गोलीकांड होता है, पहले जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी के ऊपर निशाना साधती है, अब जो है दिल्ली पुलिस ने निकाल लिया वहाँ से सबूत कि जो है उस जो भी गोलीकांड जो भी इंसान था उसका जो है आम आदमी पार्टी के साथ ताल्लुक है, क्या कहिएगा इस चीज़ के ऊपर? और जो केजरीवाल जी हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को नकारते हुए कहते हैं उनके फैमिली से बात हुई है, कपिल गुर्जर के फैमिली से, वो लोग बोलते हैं कि हमारे तो आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्या कहिएगा? देखिए बिल्कुल है, और ये आज से नहीं सदियों पुराना चला आ रहा है। जब जब भारत के अंदर राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है तब तब भारत के अंदर जो जयचंद बैठे हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसी करतूत जरूर की है जिससे कि इस देश की एकता टूटी है। और आज आप इस चीज़ को समझ के देखिए, खाली वहाँ पर कपिल का नाम नहीं उछाला जा रहा है, कपिल गुर्जर का नाम उछाला जा रहा है। गुर्जर समाज इस देश का एक साहसिक समाज है, सेना और पुलिस के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं, और आज एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति की पूरी जाति को मीडिया उछालने में लगा हुआ है, नेता लोग उछालने में लगे हुए हैं, वो समाज को तोड़ने की बात की जा रही है। और यही वजह है जब जब हिंदू समाज या हमारा देश टूटा है तब तब जो इस देश के अंदर जयचंद बैठे, दिल्ली की जनता मान चुकी है कि जो कपिल गुर्जर है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। निश्चित रूप से ANI न्यूज सोर्स कहता है, क्राइम ब्रांच कहती है, अब इससे ज्यादा और कितना बड़ा सबूत चाहिए? लेकिन दिल्ली
कहेंगे कि मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं लेकिन वो हमारी जो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, क्या कहिएगा सर मुख्यमंत्री के? दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए तो मुझे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम खा के भी ये कहा था कि मैं सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। एड्रेस आपको भी पता है, आप भी जाके कन्फर्म कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा करके मुकर सकता है वो कपिल वाले मामले में क्यों डबल स्टैंडर्ड नहीं करेगा, ये तो सभी को पता होना चाहिए। दिल्ली की जनता सवाल उठा रही है सर आपसे। सवाल है, उनकी वाइफ और डॉटर का एक वीडियो आता है, इंटरव्यू लेते हैं कुछ लोग, तो उसमें नाम आता है, बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड, मेरे जो पापा हैं, वो देशद्रोह नहीं कर सकते, ना देशद्रोहियों का साथ दे सकते हैं, क्या कहिएगा सर? वाइफ का, डॉटर का सामने आना इस चुनावी दौरान में किस हद तक समझ में आता है? आखिर ये बात आई क्योंकि उनके बच्चों को और उनकी वाइफ को सामने आना पड़ा कि मेरे पति देशद्रोही नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी, तभी तो बात सामने आई है। और जो आपने देखा, जो इतना बड़ा गोलीकांड जो हुआ था, ये बहुत ही बड़ी साजिश थी, वो तो भगवान की कृपा हुई, कुछ हुआ नहीं ऐसा, वरना कुछ भी हो सकता, चुनाव का मोड़ काफी अलग हो सकता था ये।